बोकारो जिले को टीबी मुक्त बनाने का कवायद शुरू हो गया है। कुल 40,000 घरों को लक्षित कर 12 लाख लोगों की जांच की जाएगी। मामूली टीबी के लक्षण दिखाई देने पर उन्हें दवाइयां दी जाएंगी ताकि कीटाणु को उसके पनपने से पहले मार दिया जाए। जिला यक्ष्मा पदाधिकारी डॉक्टर एनपी सिंह ने बताया, बोकारो जिले में सर्वे के लिए कुल 394 टीमें बनाई गई हैं। वहीं प्रतिदिन 12,209 घरों का सर्वे किया जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री द्वारा चलाए जा रहे इस कार्यक्रम को तेजी से किया जा रहा है। वहीं इस कार्य में सेविका एवं सामुदायिक साथियों को लगाया गया है। हम लोग जो अभी कर रहे हैं ACF एक्टिव केस फाइंडिंग। ये क्या है एक्टिव केस फाइंडिंग? सुनने के बाद रूटीन वे में हमारे अस्पताल तक जो बेनिफिशियरी आते हैं वो नियमित रूप से काम होता है। ये स्पेशल प्रोग्राम जो चल रहा है एक्टिव केस सर्च का, इसमें हम लोग टारगेट रखे हैं कि सारे 12 लाख पॉपुलेशन को कैचअप करेंगे। वैसे पॉपुलेशन को जहां हमारी पहुंच नहीं है, खास करके वहां से हम लोग छिपे हुए मरीज को घर घर सर्वे करके ढूंढ करके निकालना है। ये कार्यक्रम 25 सितंबर से हम लोग का है कि 31 अक्टूबर तक पूरा कर लेना है। जो टारगेट मिला है हमारा पॉपुलेशन का 12.5 लाख, उसमें लक्षित घरों की संख्या जो है कितना है बताइए? लक्षित घरों की संख्या जो है 244,171। इसमें हमारी कुल जो फील्ड में टीम काम करेगी 394। साथ में हम लोग जो टीबी का जो उसमें से सिम्टोमेटिक पेशेंट मिलेंगे, संभावना है कि 18,313 मिलेंगे। उसमें हम लोग डायग्नोसिस करेंगे तो हमारा उम्मीद है कि 916 मरीज हमको निकल करके आएंगे। तब हम लोग उनको मतलब कि देखेंगे कि कितना हम लोग कहाँ तक पहुँचे, हमारा टारगेट अचीव हो रहा है कि नहीं। एक टीम जो है, जैसे हमारा 394 फील्ड में टीम है, एक दिन में 31 घरों की जांच करेगी। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।